हेलो दोस्तों, कैलीग्राफी क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भगत सिंह पर निबंध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शहीद भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। उनका जन्म अविभाज्य भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। यही कारण है कि भगत सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी बनने की ओर आकर्षित हुए। तथा उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भगत सिंह ने वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भगत सिंह के द्वारा बहुप्रसिद्ध इंकलाब
जिंदाबाद का नारा दिया गया जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या की। इसके पश्चात भगत सिंह ने बटुकेश्व दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। मार्च 1931 को भगत सिंह को सुखदेव थापर तथा शिवराम राजगुरु के साथ फांसी दी गई। इस प्रकार वो भारत माँ के लिए शहीद हो गए। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाकर उनके असीम योगदान को याद किया जाता है। भगत सिंह को छोटी उम्र में अपने बलिदान के लिए शहीद ए आजम की उपाधि दी गई। भारत की स्वतंत्रता में भगत सिंह का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कठिन संघर्ष किया। अपने इस योगदान के लिए स
सभी भारत वासियों को शहीद भगत सिंह तथा उनके साथियों पर गर्व है। भगत सिंह आज सभी युवाओं के लिए आदर्श तथा प्रेरणा का असीम स्रोत हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।